आप देख रहे हैं दखल न्यूज। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने परिवार के साथ अपने गांव जैत में पूजा पाठ करने के बाद वोट डाला और दावा किया कि मध्य प्रदेश में एक बार फिर उनकी सरकार बन रही है। वहीं कांग्रेस उम्मीदवार अरुण यादव भी मां नर्मदा की पूजा अर्चना कर इलाके में निकले थे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने गृह गांव सीहोर जिला के जैत में अपनी पत्नी और दोनों बेटों के साथ मतदान किया। मतदान से पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने परिवार के साथ अपनी कुलदेवी की पूजा अर्चना की। इसके बाद वह नर्मदा के घाट पर पहुंचे, जहां उन्होंने विधि विधान से मां नर्मदा की पूजा की। इसके पश्चात गाँव की शासकीय स्कूल में बने मतदान केंद्र में पहुंचकर मतदान किया। मतदान के बाद शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पूरे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों में जुनून है और अब की बार 200 पार के नारे को हम मध्य प्रदेश में पूरा करने जा रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कांग्रेस के प्रत्याशी अरुण यादव से पहले दिन से ही हमें कोई खतरा नहीं था, लेकिन मैंने पिछली बार की तरह इस बार भी अपना चुनाव अपनी विधानसभा क्षेत्र में कार्यकर्ताओं के बलबूते पर लड़ा है। आपका एक वोट गांव को स्मार्ट बनाएगा, शहरों का स्वरूप बदलेगा। आपका एक वोट अटल समृद्धि माला का निर्माण करवाएगा कि एक्सप्रेस वे बनेंगे, औद्योगिक कॉरिडोर बनेंगे, निवेश लाने का प्रयास होगा। आपका एक वोट सिंचाई की क्षमता 41 लाख हेक्टर से 80 लाख हेक्टर तक बढ़ाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज के छोटे पुत्र कुणाल सिंह चौहान ने अपने जीवन का पहला मतदान किया। बुधनी में अधिकांश मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की लंबी लंबी लाइनें देखने को मिली। लोगों में मतदान को लेकर गजब का उत्साह रहा। इस मौके पर मीडिया से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मैं प्रदेशवासियों से अपील करता हूं कि वह प्रजातंत्र की मजबूती के लिए मतदान करें। शिवराज सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ रहे कांग्रेस प्रत्याशी अरुण यादव ने भी बुधनी में बांद्रा में मां नर्मदा की पूजा कर आशीर्वाद लिया और फिर लोगों के बीच निकले। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।